नमस्कार बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर संकेतों की वजह से सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 503 अंक टूटकर 34,668.43 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 153 अंकों की गिरावट के साथ 10,230.85 पर पहुंच गया। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इस फैसले का मतलब यह भी है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स अब दोबारा नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की इजाजत दी है। इड़ा ने इन खास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं है। उल्टा आज एक बार फिर ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दामों में 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के समांतर बनाए जाने वाले महासेतु की परियोजना से जुड़े टेंडर को रद्द कर दिया है। इस परियोजना में चीनी कंपनियां शामिल थीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।